मैं आपको खुद का एग्जाम्पल देता हूँ। एक लोन ऐप है, 5 साल पहले करीब की बात है, मैंने उससे करीब 20 हजार का लोन लिया था और आज तक का मैंने उसका एक पैसा नहीं चुकाया। वो कंपनी आज तक मेरा कुछ नहीं खाड़ पाई। अरे मत करो रीपेमेंट यार, कोई टेंशन नहीं है, खामो खा कर डर रहे हो, रे यार रीपेमेंट नहीं किया ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने किसी भी लोन ऐप से एनबीएफसी से अगर आपने लोन लिया है, ईएमआई नहीं भर पा रहे हो, रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो और डर के मारे दिमाग खराब हो रहा है, ऐसी कैसी हो रही है यार, कहीं ऐसा हो गया वैसा हो गया, पुलिस आ गई या जो है कि घर पे एजेंट आ गया या सिविल खराब कर दी ये वो। अरे क्यों डर रहे हो यार, अरे कुछ नहीं होने वाला। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको ये बात क्यों कह रहा हूँ कि कुछ नहीं होने वाला, उसका एक कारण है, तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा तभी आपको ये बात पूरी समझ में आने वाली है। तो चलिए इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके और साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पर लिख कर @vinylandhero और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डायरेक्ट मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया टेलीग्राम का। भैया अगर आपने किसी भी धांसू जानी मानी फेमस ऐप से 50 हजार का, 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, अरे कितने का भी लोन लिया है, अब आपके पास पैसा नहीं है, अब आप नहीं दे पा रहे हो, अब टेंशन दिमाग में बैठी है कि यार एजेंट घर पे आएंगे, पुलिस घर पे आएगी, कोर्ट केस होगा, लीगल नोटिस आएगा, सिविल खराब होगा, ऐसा होगा, ये है वो है ये वो, दुनिया भर की बातें आपके दिमाग में आएंगी। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको नहीं डरना है बिल्कुल भी। अरे होगा यार, अरे 3 साल हो जाए, 4 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, ये अब कुछ नहीं कर पाती है, सिर्फ नोटिस भेजती रहती है, कुछ नहीं कर पाती है भाई, कुछ नहीं उखाड़ सकती है। जी हाँ मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपना आपको खुद का एग्जाम्पल देता हूँ। एक लोन ऐप है बहुत जानी मानी, आज से 5 साल पहले करीब की बात है, मैंने उससे करीब 20 हजार का लोन लिया था और आज तक का मैंने उसका एक पैसा नहीं चुकाया, वो कंपनी आज तक मेरा कुछ नहीं खाड़ पाई। और मैं आपको इतना बड़ा अपना एग्जाम्पल दे रहा हूं, और इससे ज्यादा मैं एग्जाम्पल क्या दूं, है ना। अब आपने अब तक का जो मेरी बातें सुनी, आपको अभी तक यही लगा होगा कि यार सच में ऐसा है कि लोन लेके नहीं चुकाए कुछ नहीं होगा, है ये लग रहा होगा ना, लेकिन ये गलत है। ऐसा मैं नहीं, बहुत से लोग अपने दिमाग में सोचते हैं, मैं लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ, अरे यार तुम काई की वीडियो बनाते हो, मेरे को 4 साल हो गए, मैंने इस ऐप का लोन का जो है रीपेमेंट नहीं किया, आज तक मेरा कुछ नहीं खाड़ पाई, मैंने इस ऐप का नहीं चुका पाया, मैंने एम पॉकेट का इतने 3 साल से नहीं दिया, या मैंने नावी का नहीं दिया, या कैडबी का नहीं दिया, मतलब बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं। तो बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा, सर क्या सच में ऐसा है कि अगर हम लोन नहीं चुकाएं 2-3 साल तक ये ऐप कुछ नहीं करेंगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि हम आपके कमेंट देखते हैं, मतलब आपकी वीडियोस में, तो बहुत से लोग ये बातें कहते हैं। तो अब सुनो मेरा जवाब, जो मैंने वीडियो के शुरू में बोला, जो लोग इस तरह की बातें बोलते हैं कि मेरे को 25 साल हो गए हैं, या मेरे को 20 साल हो गए हैं, या मेरे को 5 साल हो गए, या मेरा कुछ नहीं खाड़ पाया, या मेरा बैंक कुछ नहीं खाड़ पाया, तो उसका मैं बता दूं क्या है भाई। देखो 100 में से 2, 4, 6, 10, 20 लोग ऐसे होते हैं जिनका नसीब बहुत तेज होता है, जिस पे कोई भी एक्शन नहीं लिया था, कोई कंपनी एक्शन नहीं लेती जिनके ऊपर, समझ में आ रही है, उनका नसीब बहुत तेज होता है। अरे भाई अगर आपके ऊपर कंपनी ने एक्शन ले लिया तो क्या करोगे तुम, ये बात जाहिर है, ये बात सच है कि भाई छोटा मोटा अगर आपने किसी ऐप से लिया है तो कोई भी कंपनी आपके ऊपर जल्दी केस नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी, बस आपको रिकवरी से गाली गलौज करवाएगी, आपको धमकी दिलवाएगी, आपको परेशान करवाएगी, आपके कॉन्टेक्ट पे कॉल करेगी, आपका सिविल खराब करेगी, सिविल खराब करेगी, लेकिन आपको कभी भी पुलिस के झमेले में नहीं डालेगी, आपको कोर्ट के झमेले में नहीं डालेगी, भाई कंपनी को भी उसमें लगना पड़ेगा, समझ में आ रही है। तो यहाँ पे इतना मैं जरूर कहूंगा कि अगर कंपनी अपने पे आ जाए तो भाई आपके ऊपर केस कर सकती है, कोर्ट में इसलिए नहीं जाती कंपनी, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इसी वजह से नहीं जाती, खास बात है ये, समझ रहे हो। अगर कंपनी अपने पे आ जाए तो 4 दिन के अंदर आपके अंदर से पैसा खींच लेगी, हलक में हाथ डाल के, जो भी होता है, गले में हाथ डाल के, पेट में हाथ डाल के, समझ में आ रही है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि 100 में से 10 लोग अगर ये बोल रहे हैं कि 4 साल हो गए इस कंपनी ने मेरा कुछ नहीं उखाड़ा, या कोई भी कुछ कह रहा है, तो आप उस चीज को अपने ऊपर लागू मत करो, उसका नसीब हुआ अच्छा हुआ तेज हुआ कंपनी ने कुछ नहीं कहा, आपका नसीब नहीं बढ़िया हुआ कंपनी आपके ऊपर कोर्ट केस करके क्या करोगे, फिर आप जाओ बैंगलोर, फिर जाओ कोलकाता, फिर जाओ मुंबई, फिर जाओ कराची, कोर्ट केस जो आप पे चल रहा है उसको लड़ने के लिए, फिर आपका खर्चा नहीं होगा, कोर्ट केस लड़ोगे जाके तो खर्चा होगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर पैसा है तो चुका दो, और अगर नहीं है तो जेन्युइन रीजन के साथ, पूरे कारण के साथ, पूरे सबूत के साथ कि मेरी ये प्रॉब्लम है, कंपनी को मेल करो, लोन ऐप वालों को बताओ, एनबीएफसी वालों को बताओ, समझ में आ रही है। इस चक्कर में मत रहना कि वो हमने कमेंट पढ़ा था और एम पॉकेट से उस भाई लोन लिया था, उसका तो कुछ नहीं उखाड़ा 3 साल तक का, मैंने भी एम पॉकेट से लिया तो मेरा भी कुछ नहीं उखाड़ेगी,
भाई इस चक्कर में मत रहो, सिंपल सी बात है, लोन लिया चुपचानी चुका दो, ठीक है। वरना क्या सुनो, सच में आपके ऊपर अगर कोई कोर्ट केस हो गया, किसी लफड़े में फंस गए, लीगल एक्शन में किसी फंस गए, लीगल कोई कार्रवाई हो गई, तो क्या करोगे आप? सारी बातें धराशायी रह जाएंगी। तो जो आपका मन कहता है पहले आप तो वो करो, और मेरे हिसाब से तो मन की मत सुनो, दिल की मत सुनो, जो भैया आपको ज्ञान दे रहा है उसकी सुनो, क्योंकि आपकी लाइफ का सवाल है। कोर्ट के सही चक्कर में पड़ गए ना, लोन का रिपेमेंट देना पड़ेगा सो अलग, ठीक है, क्योंकि आप तो जानबूझ के घर पे बैठे हो नहीं चुका रहे, तो उसका कंपनी कुछ नहीं कर रही, तो मेरा कैसे कर लीजिए? अगर कंपनी सबके ऊपर पैसा छोड़ देगी तो कंपनी का चूतिया है जो मार्केट में बैठी है प्रॉफिट कमा रही है, वो लॉस चलो उठा लेगी, एक हाथ पर उठा लेगी, दो का उठा लेगी। अभी थोड़ी ना है कि 100 लोगों को लोन बैठा है तो 100 के 100 लोगों का लोन माफ कर देगी, उनसे कुछ कहेगी नहीं। अरे 5 लोगों का लोन माफ कर देगी, छोड़ो इनसे कौन बहस करे यार, ढीठ लोग हैं, 3000 का लोन है, छोड़ो खत्म करो। अरे तो कंपनी ऐसा नहीं करती है भाई, बहुत से लोगों पर केस करती है, ऐसी बात नहीं है, करती है। अगर आपको सबूत ही चाहिए तो अगले वीडियो में सबूत ला के भी दूंगा आपको, और बताओ सारे सबूत, कोर्ट केस नंबर सब कुछ ला के दूंगा, और खुद ऑनलाइन जाके चेक कर लेना कि वाकई में आज पे केस चल रहा है यार, लोन के इतने केस चल रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन ये मुंबई, आपको बेंगलोर, कोलकाता, रांची और एक आपका दिल्ली, इन बड़ी बड़ी जगहों पे ये केस चलते हैं, समझ में आती है? सबसे बड़े बड़े ऐप जो लोन ऐप के ऑफिस है ना, इन्हीं जगहों पे हैं, वहाँ पे केस चलते हैं। और आप ऐसी जगह पे रहते हो जो आपके यहाँ से मुंबई 1600 किलोमीटर है या 1000 किलोमीटर है आपके घर से, तो आपकी तो ऐसी तैसी हो गई, 3 दिन तो आपके ट्रेन में निकल जाएंगे, हवाई जहाज जाने के पैसे नहीं है, लोन लिया था 8000 का, तो कंपनी तो निकाल ली ना तुम्हारी खींच के, तो ऐसा मौका मत आने दो, ठीक है ना। अब बहुत से लोग कहेंगे तुमने जो अपना एग्जाम्पल दिया था वो भाई वो एक गीदड़ भपकी थी, वो मेरा एग्जाम्पल नहीं था, वो मेरा एग्जाम्पल नहीं था, वो और वो लोग थे जो अपना एग्जाम्पल दे रहे थे, अरे मेरे को 25 साल हो गई या वो लोन है 5 साल से मेरा कुछ नहीं खाड़ पाई, तो मैंने आपको उसी एग्जाम्पल को अपने ऊपर रख के दे दिया आपको, जबकि मेरा ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई, मैंने कोई लोन लिया, मैंने टाइम से चुका दिया, बात खत्म हो गई है, समझ में आ रही है। 1000-2000 का लोन है तो आप थोड़ी एक बार के लिए मार सकते हो, लेकिन अगर 50,000 का 1,00,000 का लोन है वो भी मार सकते हो, लेकिन भाई किसी कंपनी का कोई पता नहीं है कब आपके ऊपर कैसा एक्शन ले ले, इसके बारे में हम आपसे कुछ नहीं कह सकते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि लोन लिया है चुपचानी चुका दो, अगर कोई समस्या है नहीं चुका पा रहे हो तो कंपनी को रीजन के साथ मेल करो, उनको बताओ, बात खत्म हो गई, ताकि अपनी तरफ से कोई गलती ना हो कि भैया अगले बंदे ने हमको बताया उनके पैसा नहीं, उन्होंने हमको पूरा सबूत के साथ ये भेजा है, देखो भैया उनके पास ये कमी है ये है, तो होता है कंपनी आपको 2-3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दे दे, ऐसा भी हो सकता है। अब तुम बैठे हो उसी चक्कर में यार, वो हमने कमेंट पढ़ा था यार, हमने वो वीडियो देखा था, वो तो यूट्यूब पे कह रहे थे कि अरे यार जब एम पकड़ उनका कुछ उखाड़ पे तो हमारा क्या उखाड़ लेगी यार, हमारी विषय पड़ी है कि हमसे कमाई होगी, और आ गया फिर लीगल नोटिस, फिर घबराते हो घूमोगे, समझ में आ रही है, फिर 400 BC का केस बन सकता है, ये ध्यान रखना। अगर तुम जानबूझ के लोन पे रिफंड नहीं कर रहे हो, पैसा होने के बाद भी विलफुल डिफॉल्टर में आ सकते हो, ऐसे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, इस बात का ध्यान रखना, समझ में आ गई है। तो ये चीज से बच के रहो, बहुत से लोग आपको भड़का सकते हैं, अरे छोड़ कुछ नहीं होगा यार, तो इन चीजों से बच के रहो, ठीक है। मुझे उम्मीद है पूरी बात समझ रहे होगे कि मैंने अपने तरीके से समझाने की कोशिश करी, आप समझे होगे कि लोन का पैसा चुकाओ अगर है, नहीं है कोई बात नहीं, आप उससे फिर तरीके से लड़ो, क्योंकि कोई भी काम है तो आप गलत तो नहीं कर रहे हो ना, पैसा नहीं तभी तो नहीं चुका रहे, तो आप उसका जवाब दे सकते हो, ठीक है, कोर्ट में हो कहीं भी हो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप जवाब दे सकते हो, पैसा है तो चुका दो बस। तो उम्मीद है कोई बात समझ गया हो, तो इसी के साथ मैं चलता हूं, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।